नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा इंस्टीट्यूट सब इंस्पेक्टर के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न एमसीयू पैटर्न के प्रश्न की श्रृंखला लेके आया है, ठीक है। उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आइए देखते हैं प्रश्नों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य विधान परिषद को निम्नलिखित में से कौन समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद को निम्नलिखित में से कौन समाप्त कर सकता है। तो हम सबको पता है कि राज्य विधान परिषद को स्टार्ट करना या किसी भी राज्य में राज्य विधान परिषद को लागू करना या उसको समाप्त करना का ये जो अधिकार है वो किसके पास रहता है, संसद के पास रहता है। ये अधिकार किसके पास रहता है, संसद के पास रहता है। हमको पता है कि आर्टिकल 169 इससे संबंधित है, आर्टिकल 169 संबंधित है, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य का जो विधानसभा है, राज्य की जो विधानसभा है, एक प्रस्ताव बना के भेजेगी, कहाँ, संसद। हाँ, हमको ध्यान रखना है, राज्य विधान परिषद से जब कोई प्रस्ताव भेजा जाएगा तो वो किस बहुमत से होना चाहिए, विशेष बहुमत से पास होकर भेजना चाहिए। उसके बाद जब यह प्रस्ताव संसद पहुंचेगा तो संसद में अगर ये प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पास हो जाता है, तो राज्यों में विधान परिषद का गठन हो जाएगा या राज्यों से विधानसभा समाप्त हो, विधान परिषद समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारे देश में वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, ठीक है। इसके लिए विधान परिषद को याद रखने के लिए आपको पता है एक ट्रिक है हमारा, एक क्या है ट्रिक, कुंभज टी, ठीक है। तो कर्नाटक, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड था जो अभी हट चुका है, और ये क्या है, तेलंगाना। तो टोटल 6 राज्यों में अभी वर्तमान में हमारे पास क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। तो दूसरे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, देखो यहां छोटा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, यहां कॉलम में लिखा है कैबिनेट, ठीक है, और यहां क्या टाइप हो गया है, मंत्री परिषद। अगर बात करूं मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां किया गया है या संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जहां मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख किया है, तो वो होता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में किस शब्द का यूज किया गया है, मंत्री परिषद शब्द का उपयोग किया गया है। लेकिन प्रश्न में क्योंकि यहां क्या मेंशन है, कैबिनेट, तो यहां क्या पूछना चाह रहा है आपसे, मंत्रिमंडल शब्द को पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है आपको, मंत्रिमंडल शब्द। तो हमको पता है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहां किया गया है, आर्टिकल 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग कहां किया गया है, आर्टिकल 352 में। हम सबको पता है कि आर्टिकल 352 का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आपात मतलब नेशनल इमरजेंसी से। हम सबको पता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पे की जाती है, ठीक है, किसकी सलाह पे, मंत्रिमंडल की। लेकिन हमको यहां यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पे से की जा रही है, वो प्रारंभ से ही मंत्रिमंडल की सलाह पे नहीं की जाती थी, पहले इसमें लिखा था कि मंत्री परिषद की सलाह पे की जाती थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हम मंत्री परिषद के स्थान पे क्या जोड़ दिए, मंत्रिमंडल जोड़ दिए। मंत्री परिषद के स्थान पे हम किसको लिखे, मंत्रिमंडल को लिखे। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को अगर आपको, हमको ये जानना है कि क्या क्या डिफरेंस होता है मंत्रिमंडल में, तो हम सबको पता है कि मंत्री जो मंडल होता है उसका आकार छोटा रहता है। मंत्री परिषद किसको बोलते हैं अपन, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री की जो पूरी मंत्री रहते हैं उन पूरे मंत्रियों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं। और जो खास खास मंत्रालय जिनके पास रहता है उनको क्या बोलते हैं अपन, मंत्रिमंडल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी,
ठीक है, देखते हैं। पूर्ववर्ती योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन है जो योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहां अपन देखते हैं कौन से कथन सही नहीं है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है, यह नीति आयोग के अंतर्गत नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, ये तो सही है पूरी तरीके से। ठीक है, यह केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्य सरकारों के बीच एक प्रकार के सेतु का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक प्रकार के सेतु का काम, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कॉलेजिएट संस्था है। ठीक है, तो अपने को देखना है कि ये तो गलत लग रहा है अपने को, यह एक कॉलेजिएट संस्था नहीं है। ठीक है, और इसका गठन 15 मार्च 1950 में नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, इसमें क्या बोला है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं होगा, सी, ए और चार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको अपन कैग के नाम से जानते हैं, कैग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? ठीक है, कैग के संबंध में कौन से कथन सही है, यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ठीक है, यह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है। ठीक है, यह क्या बोला है, वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। ठीक है, यह भी ठीक है, मतलब ये तीनों सही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, भारत की संचित निधि ने धन की निकासी पर इसका नियंत्रण होता है, संचित निधि पर उसका नियंत्रण होता है, बिल्कुल गलत है ये। तो अपन देखें कि इसमें क्या पूछा है हमसे, कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है हमारा, एक दो और तीन। कैक के बारे में हमको पता है, कैक का उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 148 में, किसका उल्लेख किया गया है, कैग का। ठीक है, आर्टिकल 148 का संबंध किससे है बच्चों, पार्ट फाइव से है। ठीक है, कैग का उल्लेख है, कैग की जो अपनी रिपोर्ट है वो किसको पेश करता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, और प्रेसिडेंट क्या करता है, इसको संसद के पटल पे रखता है। ठीक है, कैग अपनी रिपोर्ट जो रहती है प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, और उसकी रिपोर्ट कहाँ रखता है, संसद के पटल में रखता है, और संसद के पटल में रखने के बाद जो एक लोक लेखा निधि जिसको अपन क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस रिपोर्ट की क्या करती है, जांच करती है, या उसको आसान भाषा में सदन के सामने समक्ष प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो कैग के बारे में समझ गए अपन, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं अपन। हाँ, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर किया जाता है? ठीक है, वैसे तो हमको पता है कि न्यायालय या जजों या न्यायाधीशों के संबंध में कोई भी निर्णय जो रहता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, कॉलेजियम के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन, संबंधित उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, ठीक है, ये संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है, ये क्या बोला है, भारत के महान्यायवादी के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्या होगा इसका सही आंसर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंध को मोटे तौर पर संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद निर्धारित करते हैं? ठीक है, मतलब प्रश्न ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं और जो हमारा राष्ट्रपति होता है, उन दोनों के बीच संबंध बनाने वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं क्या है, आर्टिकल 75। ठीक है, आर्टिकल 75 क्या बोलता है आपको, आर्टिकल 75 बोलता है बच्चों कि भारत में, आर्टिकल 75 बोलता है भारत में क्या होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, मतलब प्रधानमंत्री का उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 75 में किया गया है, और भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार किसको होगा, राष्ट्रपति को होगा, फिर राष्ट्र प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 75 में है,
मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 74 में है, ठीक है। और आर्टिकल 78 किसके बारे में है, आर्टिकल 78 बोलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कार्यपालिका के संबंध में रिपोर्ट मांग सकता है, ठीक है। और ये रिपोर्ट देने के लिए प्रधानमंत्री क्या होगा, बाध्य होगा, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 73, आर्टिकल 76, इन दोनों का संबंध नहीं है इसे। तो हम देखें 1, 3 और 5, तो आप आंसर कौन सा सही होगा हमारा, बी, ठीक है। तो क्या है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध को मोटे तौर पे संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद निर्धारित करते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, बी, 1, 3 और 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुसार राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, वास्तविक अर्थ क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत बिल्कुल नहीं, विधानसभा के प्रसाद पर्यंत बिल्कुल। तो सही आंसर क्या होगा, विधानसभा के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। देखिए विधानसभा के प्रसाद पर्यंत, जब हम अपन संयुक्त तौर पर मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, तो यहां क्या आता है, विधानसभा का प्रसाद पर्यंत का उल्लेख होता है, ठीक है, विधान प्रतिषद सभा का प्रसाद पर्यंत का बात होता है। लेकिन अब सिर्फ मंत्री की अगर बात करते हो आप, ठीक है, तो अगर मंत्री केंद्र से संबंधित है तो उसका संबंध क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री से हो जाता है, और इंडिविजुअल मंत्री की बात कर रहा हूं, और अगर वो मंत्री राज्य से संबंधित है तो उसका संबंध किससे होता है, मुख्यमंत्री से। लेकिन अगर आप मंत्री परिषद की पूरी बात करते हो तो वो किसके प्रसाद पर्यंत होगा, विधानसभा के, ठीक है। इसमें क्योंकि लिख दिया राज्य का मंत्री परिषद, तो किससे संबंधित होगा, विधानसभा के प्रसाद पर्यंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, ठीक है, वो योजना आयोग जो जब था हमारे देश में, ठीक है, योजना आयोग के साथ बनाया गया था, योजना आयोग के साथ जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता था, राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता था, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते थे, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कौन होते थे, मुख्यमंत्री। और इनका काम क्या रहता था, जो भी केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना को सही ढंग से संचालित करना, ठीक है, या सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, ये किसका काम रहता था, राष्ट्रीय विकास परिषद का काम रहता था। तो हम देखते हैं, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीति को प्रोत्साहित करना, ये था इसका काम, बिल्कुल नहीं, ये इसका काम नहीं था। योजना लागू करने में राष्ट्र के तमाम प्रयासों और संसाधनों को सुदृढ़ करना और जुटाना, ठीक है, ये इसका काम बिल्कुल नहीं था। देश के तमाम भागों के लिए संतुलित एवं त्वरित विकास सुनिश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, योजना लागू कराने के सभी राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, बिल्कुल ये इसका सही आंसर होगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। तो क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, योजना लागू कराने के लिए सभी राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो पहला क्या है, 4 राज्यों में 6% वोट और लोकसभा सीट। उसके बाद दूसरा है, 3% वैध मत और 3 सीट दोनों में से जो भी अधिक हो, ठीक है। 3 राज्यों में लोकसभा सीट का 2%, ठीक है, सीट का 2%, सही आंसर का चयन कीजिए। देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा, ठीक है। हम सबको पता है वर्तमान में अभी निर्णय आया है कि देश में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्षेत्रीय पार्टी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। अगर आपको क्षेत्रीय पार्टी के रूप में विकसित होना है तो आपको 6% वैध मत प्राप्त करना होगा, वैध मत प्राप्त करना होगा, यानी तो और ठीक है, 6% वैध मत प्राप्त करना पड़ेगा और 1 लोकसभा सीट को जीतना होगा। ये है पहली कंडीशन, ठीक है, ये पहली कंडीशन, मतलब ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन आपको ऐसा लगता है कि हम पूरी नहीं कर सकते, तो एक कंडीशन और बताई गई है संविधान में,
तो दूसरी कंडीशन ये बोली गई है कि आप एक काम करो, 6% वैध मत प्राप्त कर लो, 6% वैध मत प्राप्त कर लो और 2 विधानसभा सीटों को प्राप्त जीत लो, 2 विधानसभा सीट जीत लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन भी आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो एक कंडीशन संविधान में तीसरी कंडीशन बताई गई है और ये बोला है कि आप 3% सीट जीत जाओ, यानी तो या आप 3 विधानसभा सीट जीत जाओ, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा अगर वो काम आप कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6% वैध मत या 1 लोकसभा सीट जीतनी पड़ेगी, या 6% वैध मत या 2 विधानसभा सीट जीतनी पड़ेगी, या 3% सीट या 3 सीट जीतनी पड़ेगी। अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी का, अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करना होगा और 4 लोकसभा सीट जीतनी होगी। पहली कंडीशन क्या है राष्ट्रीय पार्टी की, 4 राज्यों में 6% वैध वोट, 6% वैध मत का और 4 लोकसभा सीट जीतनी होगी। दूसरी कंडीशन ये बताई गई है कि आपको 3 राज्यों में कितनी, 2% सीट जीतनी होगी, कितनी प्रतिशत सीट जीतनी होगी, 2% सीट जीतनी होगी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन राष्ट्रीय पार्टी के लिए बताई गई है कि चार राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का क्या होना चाहिए, दर्जा होना चाहिए आपका। मतलब आपको यदि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए, 4 राज्यों में 6% वोट ले आओ और 4 लोकसभा सीट जीत जाओ, यानी तो 3 राज्यों में 2% सीट जीत जाओ, यानी तो 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का आपके पास क्या होना चाहिए, दर्जा होना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल कर ले, इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप क्या बन जाओगे, क्षेत्रीय पार्टी बन जाओगे, और इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल कर लिए तो आप क्या बन जाओगे, राष्ट्रीय पार्टी। वर्तमान में आपको पता है कि देश में, पहले हमारे देश में अभी कुछ समय पहले 8 राष्ट्रीय पार्टी थी, जिसमें से एक थी बीजेपी, दूसरी थी कांग्रेस, तीसरी थी एनसीपी, चौथी थी टीएमसी, चौथी थी सीपीआई, ठीक है, 3, 2, 5वीं थी चौथी, 5वीं सीपीआई, 6वीं थी सीपीआईएम, ठीक है, उसके बाद ये थी बीएसपी, और 8वीं पार्टी कौन सी थी, एनपीपी, नेशनल पीपुल पार्टी, ये कहाँ की थी, मेघालय की पार्टी थी, ठीक है, नेशनल पीपुल पार्टी। वर्तमान में हम देखें कि अभी चुनाव आयोग का डिसीजन आया है और एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा से हटा दिया गया है। मतलब ये जो 3 पार्टियां हैं इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्या हुआ, छिन गया है। तो मतलब कितनी पार्टी बची, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और एक नई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी आपको मिला है, ठीक है, आम आदमी पार्टी को मिला है। तो मतलब टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टी हो गई हमारे देश में, 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गई। वर्तमान में हमारे देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, 6 राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, देखो 61वां संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन से, 44वां संविधान संशोधन से, 104वां संविधान संशोधन से। पहले तो बच्चों हमको ये देखना पड़ेगा ये जो सभी संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से हम वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटा के कहाँ ले आए, 18 वर्ष ले आए। 42वां संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं अपन, आपातकाल, जब हमारे 1975 में जब हमारे देश में आपातकाल लगा तो 42वें संविधान संशोधन किया गया हमारे देश में इंदिरा गांधी सरकार के माध्यम से। इस 42वें संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं, मिनी संविधान बोलते हैं। 42वें, इतना मतलब मूल संविधान के इतने प्रावधानों को चेंज कर दिया गया तो जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, मिनी संविधान बोला जाता है 42वें संविधान। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन, इसको सुधारने के लिए हम कौन सा संविधान संशोधन किए, 44वां संविधान संशोधन किए। 104वां संविधान संशोधन 2019 का संबंध तो अभी से है, इसके तहत हम जो एससी
एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, जिसकी सीमा 2020 में समाप्त हो रही थी, उसको अपन क्या किए 2030 तक आगे ले गए। और एक काम किए इसमें 104वें संविधान संशोधन से, जो एंग्लो इंडियन समुदाय है, एंग्लो इंडियन समुदाय है, उसको लोकसभा में 2 सीट और विधानसभा में 1 सीट के लिए क्या किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, के लिए क्या किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, उसको हम क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। मतलब अब संसद में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को नॉमिनेट करना बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें हमको याद रखना है, दिनेश गोस्वामी समिति ये सिफारिश किए थे कि वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटा के कहां कर देना है हमको, 18 वर्ष कर देना है। तो इसी दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए हम संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1989 पास किए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। ठीक है, देखो आर्टिकल 156, 154, 153, 155, ये क्वेश्चन देने का मतलब मेरा ये था कि देखो राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है, एक जैसे हैं। जैसे हमको पता है कि हम 52 में क्या देखते हैं कि देश में क्या होगा, राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, 53 में क्या देखते हैं, कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। 54 में क्या देखते हैं, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। ठीक है, 55 में क्या देखते हैं, निर्वाचन के बारे में देखते हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहां अपन क्या करते हैं, इलेक्शन, यहां मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, 56 में अपन क्या देखते हैं, कार्यकाल। ठीक है, 57 में क्या देखते हैं अपन, पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन की चर्चा करते हैं। 58 में अपन देखते हैं योग्यता क्या होगी, योग्यता राष्ट्रपति की। 59 में क्या देखते हैं अपन, इसमें योग्यता देखते हैं, योग्यता के बाद शर्त 59 में, और 60 में क्या देखते हैं, शपथ, शपथ। फिर 61 में देखते हैं इम्पीचमेंट, और रिक्त पद देखते हैं 62 में। अब राष्ट्रपति से हमको रिलेट करना है किसको, राज्यपाल को। ठीक है, इसमें हमको 101 ऐड करना है और ये सारी चीजें एक समान हो जाएगी। देखिए आर्टिकल 52 में क्या बोला है, राष्ट्रपति का पद होगा, देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अब इसमें 101 ऐड करोगे तो आएगा आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 बोलता है राज्य में एक राज्यपाल का क्या होगा, पद होगा। ठीक है, राज्य में राज्यपाल का क्या होगा, पद होगा। तो आर्टिकल 153 किसके बारे में बात करता है, राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा। ठीक है, अब इसके बाद, उसके बाद आर्टिकल 53 में 101 ऐड करोगे तो क्या आएगा, आर्टिकल 154। देखो ये वाला पैटर्न चेंज नहीं होगा, हो सकता है ये आर्टिकल्स कभी कभी चेंज हो जाए, लेकिन ये जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 154 में क्या बोलता है, राज्य की जो कार्यपालिका की समस्त शक्ति है वो किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल, राज्य के कार्यपालिका की समस्त शक्ति राज्यपाल में क्या होगी, निहित होगी। ठीक है, आर्टिकल 54 क्या बोलता है, निर्वाचन के बारे में बोलता है। तो आर्टिकल 155 भी क्या बोलेगा, नियुक्तियों से संबंधित रहेगा। ठीक है, अब भैया राज्यपाल का निर्वाचन तो होता नहीं है, उसकी क्या होती है, नियुक्ति, और उसकी नियुक्ति किसके प्रसाद पर्यंत तक रहती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहती है। ठीक है, अब देखो ये दोनों का संबंध राष्ट्रपति की नियुक्तियों से है। ठीक है, तो इसका ये दोनों सीमेंट के कहां आ गया, 155 में आ गया। ठीक है, 56 में क्या बोला है, कार्यकाल। तो यहां भी आर्टिकल 156 में क्या होगा, कार्यकाल होगा। ठीक है, यहां क्या है, पुनः निर्वाचन। तो भैया राज्यपाल के पुनर्निर्वाचन की तो जरूरत होती नहीं, उसको जब तक राष्ट्रपति चाहेगा पद धारण किए रहेगा वो। ठीक है, तो और उसके बाद तो इसकी जरूरत तो है नहीं, तो इन दोनों को मिला के यहां आ गया। अब उसके बाद नीचे सेम हो जाएगा, तो 157 में क्या बोलेगा, योग्यता, किसकी योग्यता, राज्यपाल की। आर्टिकल 158 में शर्त रहेगी, उसके बाद आर्टिकल 159 में क्या रहेगी, शपथ, क्या रहेगा, शपथ रहेगा। ठीक है, तो ये राज्यपाल, कार्यपालिका की शक्ति, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शर्तें और शपथ, तो ये राज्यपाल से संबंधित रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी, अच्छा ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक खालिस्तान के द्वारा लिखी गई है। मतलब किसके द्वारा लिखी गई है भैया, तो ये अपन पढ़ते हैं कि एस एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, नेहरू जी, अग्रवाल, एस एन अग्रवाल,
और MN रॉय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई, तो हम सबको पता है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्व सरैया के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू आता है, भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा इस साल भारत चाय का निर्यात करके अर्जित किया है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है, देखो नीति आयोग करता है क्या, वित्त आयोग करता है क्या, NSO करता है क्या, UNO करता है, देखो दो संस्थाएं हैं, पहला CSO दूसरा है NSSO। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक संस्था का निर्माण किया गया NSO, कब किया गया है 2019 में। ठीक है, तो ये जो NSO संस्था है वो क्या करती है, बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करती है और प्रकाशित करती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, NSO। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र जिसको अपन कृषि सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जानते हैं, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र जिसको अपन इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से जानते हैं, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, सर्विस सेक्टर मतलब तृतीयक क्षेत्र हो गया। ठीक है, सभी तीनों बराबर योगदान देते हैं तो तृतीयक क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसमें यदि सरकार का व्यय चालू खाते पर सरकारी व्यय ठीक है, यदि सरकारी व्यय चालू खाते पर सरकार के राजस्व से अधिक हो जाता है, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ व्यय अधिक हो रहा है किससे, राजस्व से अधिक हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, बजट डेफिसिट बोलोगे इसको, देखो बजट में कमी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बजट में कमी, इसमें शॉर्टफॉल इन बजट बोल रहा है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं अपन, बजट डेफिसिट के नाम से जानते हैं, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, बजट डेफिसिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में राष्ट्रीय आय के सबसे बड़ा योगदान देता है, कौन सा सेक्टर है जो राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान देता है, तो देखते हैं, उद्योग सेक्टर, सेवा सेक्टर, कृषि सेक्टर और खनिज सेक्टर, तो सबसे बड़ा योगदान कौन देता है राष्ट्रीय आय में, सेवा सेक्टर। ठीक है, राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान कौन देता है, सेवा क्षेत्र द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम खालिस्तान से संबंधित है, तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, आपूर्ति और मांग से, मुद्रा का सर्कुलेशन से, उपभोग और आपूर्ति से, माल और सेवाओं के वितरण से। ठीक है, तो किससे संबंधित है, मुद्रा का सर्कुलेशन से। ठीक है, मुद्रा के सर्कुलेशन से संबंधित है, ग्रेसम का नियम जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, मुद्रा के सर्कुलेशन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया, कौन अपनाया भैया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्रोएशिया, कौन अपनाया है, क्रोएशिया। ठीक है, यूक्रेन की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, 2035 तक भारत की इकोनॉमी कहां तक पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है, $10 ट्रिलियन तक की पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा पेपर टू, SI का जो पेपर टू हुआ GS से संबंधित, उसके संविधान और इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको शिक्षा इंस्टीट्यूट की तरफ से आमंत्रित करता हूं, आइए हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो 15 पेपर होंगे हमारे टेस्ट सीरीज में, वो आपके एग्ज़ाम में, आपके सिलेक्शन में आपको बहुत योगदान करने वाले हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।